वेलकम टू माय व्लॉग। कोलकाता नाम सोचते ही सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है हावड़ा ब्रिज। अगर आप कोलकाता आए और हावड़ा ब्रिज ना जाए तो बस कुछ अधूरा सा लगता है। तो अपने इस जर्नी को पूरा करने आज मैं निकल पड़ी हूँ हावड़ा ब्रिज के लिए। यहाँ आने के लिए सबसे पहले मैं मेट्रो से हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन तक आई। जी हाँ, ये वही रूट है जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड अंडर वाटर रूट है और इस जर्नी की पूरी डिटेल्स वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच इट आउट। फिलहाल चलते हैं हावड़ा ब्रिज की ओर। अब गूगल बाबा के अनुसार हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन से हावड़ा ब्रिज की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। एक फ्लाईओवर के ऊपर से जाना होता है। मुझे लगा अगर ई रिक्शा या ऑटो कुछ मिल जाएगा तो मैं उससे चले जाऊंगी, पर मुझे वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं सिवाय बस के, और बस पे मुझे अभी चढ़ना नहीं है, तो बस मैं पैदल निकल पड़ी। जब से मैं कोलकाता आई हूँ गूगल बाबा मुझसे इतना वॉक करा रहे हैं। 700 मीटर की दूरी मुझसे 3 किलोमीटर चलाकर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब मैं रास्ता भटक रही हूँ। आज आई होप ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक रहे और मैं चलते चलते सीधे हावड़ा ब्रिज पर पहुँच जाऊँ। अब काफी देर चलने के बाद चलिए मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाती हूँ। इसके लिए मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो रुको जरा, सबर करो। अब सबर का फल तो मीठा ही होता है, तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी हावड़ा रेलवे स्टेशन का बर्ड आई व्यू, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर से आपको दिखाती हूँ। एंड आई प्रॉमिस आप भी चौंक जाएंगे, ये स्टेशन इतना बड़ा है और इतनी सारी ट्रेन एक साथ आ रही है जा रही है, बहुत ही ज्यादा बिजी स्टेशन में से एक है ये। मैं हावड़ा स्टेशन में कई बार गई हूँ, कई बार तो यहाँ से मैंने ट्रेन भी पकड़ा है, पर ऐसा व्यू मतलब ऊपर से हावड़ा स्टेशन को मैंने कभी नहीं देखा। और जो भी चीज मैं पहली बार देखती हूँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन की सेल चल रही है और दुकान पर किसी ने ट्रेन को सजा के रखा है। एनीवे अब मैं थोड़ा आगे जाती हूँ और ट्रेन के साथ भी थोड़ा सेल्फीज फोटोज वीडियोस ले लेती हूँ। और यहाँ पर कुछ लोग अपने जिंदगी की कुछ खुशियों वाले पल बिताते हुए, अब वो मुझे देखकर हंस रहे थे कि नहीं आई डोंट नो, अगर हंस भी रहे थे तो कोई बात नहीं, कोई मुझे देखकर खुश हो गया यही मेरे लिए बहुत है। एनीवे अब बहुत जगह चल के और बहुत समय तक ट्रेन देखने के बाद अभी मुझे जाना है सीधे हावड़ा ब्रिज पर। अब यहाँ से फ्लाईओवर दो तरफ चली जाती है, अगर आप सीधे चले गए तो मेरी तरफ भटक जाएंगे। तो थोड़ी देर भटकने के बाद मुझे याद आया फिर से गूगल बाबा की मैंने हेल्प ली और फिर भटकते भटकते मैं लेफ्ट साइड से गई। एंड देन आई थिंक सब कुछ सही होने लगा है, अब हावड़ा ब्रिज ज्यादा दूर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने बाजार भी है, पर अब बाजार में जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सीधा जाना है ब्रिज पर। जनरली हावड़ा ब्रिज के बारे में तो सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये ब्रिज लगभग 705 मीटर लंबी है और इसे बनाया गया है इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब ब्रिटिश ने इसे बनाया है हुगली रिवर के ऊपर। अब मैंने आपको रेलवे स्टेशन दिखाया है तो साथ ही साथ बस स्टैंड भी दिखाई देती हूँ। ये रहा हावड़ा बस स्टैंड जो हावड़ा ब्रिज से कुछ ही दूरी पर है, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो जहाँ से हावड़ा ब्रिज शुरू होता है वहाँ पर ही बस स्टैंड है। अब बस स्टैंड को क्रॉस करने के बाद हमारे वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सल्यूट करते हुए अभी हम जाएंगे हावड़ा ब्रिज के ऊपर। आई थिंक कोलकाता में यही वो जगह है जहाँ से हर जगह बस जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बस हैं। मैं रास्ता क्रॉस करना चाहती थी पर कर ही नहीं पा रही थी, मुझे रास्ता क्रॉस करने में बहुत दिक्कत हुई, यहाँ से निकलना मेरे लिए काफी मुश्किल रहा। फिर मैं जैसे तैसे लोग और बस के बीच में से निकली, मुझे समझ आ गया ऐसे में हावड़ा ब्रिज में नहीं जा सकती। वैसे भी हावड़ा ब्रिज में दोनों तरफ फुटपाथ है तो मुझे सबसे पहले फुटपाथ तक पहुंचना चाहिए, तो मैंने सिंपली रास्ता क्रॉस किया बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी तेज चलती है ऐसा लगता है एक गलत स्टेप और बस जिंदगी खत्म। एनीवे किसी भी तरह फुटपाथ पर पहुंचने के बाद अभी मैं सेफ हूँ और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बट वेट वेट वेट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ कोलकाता के फेमस द हिस्टोरिकल ब्रिज के ऊपर मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग थे जो ब्रिज देखने आए थे, उनके एक्सप्रेशन से तो साफ पता चल रहा था वो फोटोज वीडियोस ले रहे थे बिल्कुल मेरी ही तरह। मैं अभी ब्रिज के ऊपर हूँ और यहाँ पर साफ साफ लिखा है फुटपाथ पर बैठकर कोई भी सामान नहीं बेच सकता और साथ ही साथ फुटपाथ को क्लीन रखना है। और यहाँ देखिए फुटपाथ कितनी क्लीन है, यहाँ पर तो कोई दाग और डब्बा है ही नहीं। आई थिंक
या तो यहाँ पर कुछ गलत लिखा है या फिर लोगों को पढ़ना ही नहीं आता। खैर छोड़िए, इस बात को लेकर बैठूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। अभी मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ हुगली नदी। बहुत ज्यादा रिस्क लेकर मैंने अपना कैमरा यहाँ से बाहर निकाला और मेरी तो बस जान ही निकलने वाली थी, तब मुझे लगा नहीं इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, आगे और भी वीडियोस बनानी है, तो जल्दी से मैंने अपना कैमरा फिर से वापस ले लिया। और यहाँ से देखिए यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग, शायद इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं और ये ब्रिज इतना ज्यादा फेमस है। अब सच बताऊँ चलना तो मुझे बहुत पड़ा, लेकिन पहली बार मैं हावड़ा ब्रिज पर आई हूँ तो इस पार से उस पार जाना तो बनता है, तो मैंने सोचा थकावट को अभी साइड में रखते हैं और अच्छे से हावड़ा ब्रिज को एक्सप्लोर करते हैं। ये जगह मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए एकदम परफेक्ट है, काश मैं यहाँ रोज आ पाती तो मजा आ जाता। यहाँ नदी के ऊपर चलना, वो भी ठंडी ठंडी हवा, आए हाय। कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं अपने कुछ अच्छी अच्छी फोटोज नहीं ले पाई, पर कोई नहीं, यहाँ मैंने जो देखा है वो सच में बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ जिंदगी में पहली बार मैं किसी अनजान शहर में ऐसे अकेले घूम रही हूँ, ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आई विश मैं ये पहले करती, पर अब जब मैंने ये ट्राई किया है मुझे पता चला आई एम जस्ट लविंग माई ओन कंपनी। ऐसे ट्रिप्स पे मुझे बार बार जाना चाहिए। अब बस किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो शायद ऐसे ट्रिप में प्लान कर भी लूं। एनीवे इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ ब्रिज के दूसरे साइड और अभी मुझे यहाँ से वापस फिर से पैदल जाना होगा। और यहाँ से देखिए हावड़ा मार्केट, ये मार्केट सच में इतना बड़ा है मैंने सोचा भी नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ टाइम से आती, सब जगह घूमती। एनीवे अब इतनी लंबी वॉक करके इस पार आने के बाद वक्त है फिर से वॉक करके दूसरी तरफ जाने का। अब जोश जोश में यहाँ तो आ गई मैं, पर जाने का क्या करे, अभी फिर से चलना पड़ेगा। तो इस मैजेस्टिक ब्रिज को देख के इस पे लंबी वॉक करके फिर से वापस जा रही हूँ मैं, और ब्रिज क्रॉस करने के बाद भगवान की कृपा से मुझे यहाँ पर मिल गई एक ई रिक्शा जो मुझे ले जाएगा सामने वाले मेट्रो स्टेशन तक। फिर मैं मेट्रो लेके जाऊंगी घर और आज पूरा दिन रेस्ट करूंगी। तो अभी यहाँ से और आप लोगों से भी लेती हूँ विदा, पर आप लोग मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।